ओके सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। सो फाइनली मैं सो कर उठी हैं एंड अभी बजे सुबह के 8। बाकी मैं वॉइस ओवर कर रहा हूँ क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं है, तो बाकी ज़्यादा बातें नहीं करते हैं, फटाफट से रेडी होते हैं। मैं ऐसे भी लेट हो रहा हूँ, 8:30 तक स्कूल पहुँचना है एंड अभी 8 बजे। चलो फटाफट से फ़ोन को रखते हैं साइड में एंड फटाफट रेडी होते हैं। क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा लेट हो चुका हूँ एंड 8:30 तक मुझे जैसे भी स्कूल पहुँचना है। ओके तो गाइस, अभी हम लोग स्कूल के बाहर में एंड मैं जैसा कि बोल रहा था लेट हो जाऊँगा एंड हम लेट हो गए। अब गेट बंद हो गया, पता नहीं क्या होगा, घुसते देंगे कि नहीं पता नहीं। स्कूल एक टाइम रहते 8:30 तक, 8:30 से ज़्यादा हो गया सर। 3 hours later ओके सो फाइनली हमारा ब्रेक टाइम है एंड मैं मेरे कुछ दोस्त ऊपर टॉप फ्लोर पर बैठे हुए हैं एंड बाकी के जो बच्चे हैं वो ग्राउंड में खेल रहे कूद रहे। तो फिलहाल हम लोग यहाँ पे हैं एंड कुछ देर के बाद क्लास से लेंगे। ओके सो ब्रेक के बाद हम आ गए लाइब्रेरी में। कुछ देर लाइब्रेरी में बिताने के बाद मैं मेरे कुछ दोस्त लास्ट क्लास में ग्राउंड में बैठे हुए थे क्योंकि टीचर हमारे क्लास में आए नहीं थे अकाउंटेंसी के, तो हम लोग बोरिंग बस अड्डे मार रहे थे। One eternity later. Okay, so finally छुट्टी होने के बाद मैं निकल रहा था पेट्रोल पंप के लिए क्योंकि मुझे मेरे बैग में तेल भरवाना था, तो फटाफट से पेट्रोल पंप चलते हैं। तो गाइस अभी हम लोग आए पेट्रोल पंप तेल भरवाने। अब मैं बस स्कूल ड्रेस में हूँ, स्कूल ड्रेस से हम सीधा आ गए। अब तेल डालते हैं, बाइक में तेल नहीं है। वैसे बाइक थोड़ा सा गंदा हो गया पता है, घर जाके धुलाना पड़ेगा। मैंने एक आवाज़ सुना अभी, यहाँ से एक आवाज़ निकला था घर जाके धुलाना, तो किस करने वाला। और ये मेरा वो है, क्या बोलते हैं इसको, असिस्टेंट। ओके, तो फाइनली पेट्रोल भरवाने के बाद में मैं आ चुका था घर एंड बहुत ज़्यादा थक गया था मैं। तो अब करता हूँ थोड़ा सा रेस्ट, देन उसके बाद में मिलता हूँ आप सभी से। रेस्ट करने के चक्कर में कब सो गया मुझे पता ही नहीं चला, तो फिलहाल अभी शाम हो रहे हैं तो अब मैं जा रहा हूँ मार्केट। ओके सो मैं और चांदनी आ चुके थे बाबा लोकनाथ खाने के लिए क्योंकि हम लोगों को बहुत ही ज़्यादा भूख लग रहा था एंड हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा फेमस भी है। एंड वही इसके आगे मेरे आगे एक स्पाइरल पोटैटो का भी शॉप है, स्पाइरल पोटैटो कुछ दिनों से बहुत ज़्यादा फेमस हो रहा। देन मैं और चांदनी यहाँ से 2 फ्राइड राइस एंड कबाब ऑर्डर किए, तो फटाफट से अब इसको खाते हैं एंड चलते हैं घर वापस। खाने के बाद हम लोग घर वापस आ चुके हैं एंड ये जो भाई हैं ये घर के पास ही में रहता है, तो उसने हम लोगों को हंसाया, हम लोगों ने थोड़ी सी मजाक मस्ती की, तो वही देखो आप। अब और भवन प्रधान सेलिब्रिटी डार्क नाम डार्लिंग इट्स डार्क सोल गाइस और चांदली भाई लोग इधर में साथ में बैठा हुआ है गाइस, देख सकते हैं। और साथ में है ये भवन प्रधान का, आप देख सकते हैं पांडा। ओके सो गाइस अभी हम लोग जा रहे हैं मार्केट, हम लोगों को ओके तो गाइस अभी हम लोग जा रहे हैं रामेन खाने के लिए। अब तुम हमको तेरा व्लॉग नहीं निकाल रहे नहीं निकल सकता है, नहीं निकल सकता है मतलब क्या ही बोल रहे हो।
ये क्या ही बोल रहे तुम्हारा। गाइस अभी हम लोग जा रहे हैं मार्केट, हम लोगों को रामेन खाने का दिल कर रहा है तो अब हम लोग खाने चलते हैं, मतलब लेने चलते फिर घर में आके खाते। ओके सो गाइस अभी हम लोग पहुंच चुके हैं अमूल पार्लर एंड अभी हम लोग रामेन खरीदेंगे। बहुत ज़्यादा खाने का मन कर रहा था, वैसे चांदनी भी बहुत टाइम के बाद मेरे घर आए तो चलो अंदर चलते हैं, लेते हैं फटाफट, तो भी फटाफट पेमेंट करते हैं। स्कैनर मत दिखा। अरे देखो अम्मी पिन भूल गई, ये दिखा रहा पिन जाएगा भैया। बाय बाय, तो अभी हमने ले लिया, फटाफट घर चलते हैं, उसके बाद में खाते हैं मजे से। ओके सो गाइस अभी दीदी के लिए हम चाव पैक करवा रहे हैं, दीदी के लिए भी कुछ खाने के लिए ले जाते हैं। बाकी हमारा फार्मेसी देखो पूरा सुनसान हो गया, और ये मेरा बाइक जो कि बहुत ज़्यादा गंदा हो गया, धोना पड़ेगा मेरे को। बाकी ये देखो हम यहाँ पे आए थे माँ स्पायरल पोटैटो कंफर्ट, यहाँ जब से गुवाहाटी में स्पायरल पोटैटो फेमस हुआ है तब से हर जगह स्पायरल पोटैटो भरा पड़ा है भाई हमारे यहाँ। तो चलो फटाफट दीदी के लिए चाउमीन ले लेते हैं, देन उसके बाद में घर चलते हैं। तो एक गाना साना बंद करो, मेरा YouTube में कॉपीराइट आ जाएगा। तुमसे मां लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बीटरूट में थोड़ा सा इससे नहीं आया, बीटरूट में थोड़ा सा दही और बेसन और आप इसे लेके कैसा बताओ नहीं, और इसमें फॉलोअर्स बस 290 हैं। लाइक कमेंट सब्सक्राइब सब कर देना, पता है इतना ज़्यादा अच्छा तो नहीं हुआ होगा मेरे साइड से, मुझे ऐसा लगता है क्योंकि डेली ब्लॉगिंग में मेरे पास कुछ दिखाने के लिए रहता नहीं, करने के लिए कुछ रहता नहीं, जितना जो कर पाता हूँ मैं वही कर करूँगा। बाकी फिर भी एक बार कमेंट में बता देना कि वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगा तो बताना, मैं रेगुलर पोस्ट करूँगा। एंड वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब सब कर देना। एंड बाकी मुझे एक बात बताना कि मैं वॉइस ओवर करूँ, वॉइस ओवर करके वीडियोस अपलोड करा करूँ, या अभी जैसे मैं ऑन कैमरे बोलता हूँ वैसे वीडियो अपलोड करूँ, मैं खुद कन्फ्यूज हूँ, तो आप लोग बस सजेस्ट करना। बाकी बस इतना ही प्यार देते, बाय, मिलते हैं अलग एक नए इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ।